हेलो फ्रेंड्स, आपका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल फूडी होम में। आज हम बनाने जा रहे हैं मशरूम पनीर, जिसके लिए हमने डाले हैं 3 चम्मच तेल, 3 प्याज मैंने 3 प्याज और 8 लहसुन की कलियां बारीक बारीक कट कर ली हैं। अब हम इसे तेल में डालते हैं। अब हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें डालते हैं 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर। अब हम इसमें डालेंगे अपने बारीक कटे हुए टमाटर। मैंने 2 टमाटर लिए हैं और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। 1/2 छोटा चम्मच दालचीनी पाउडर, 2 चम्मच काश्मीरी लाल पाउडर डालेंगे। 2 चम्मच हमें काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है। 1/2 छोटा चम्मच नमक डालेंगे। 1/2 टमाटर भुन चुका है। अब हम इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालते हैं और अब हम डालेंगे अपने कटे हुए मशरूम। मैंने 1 पाव मशरूम लिए हैं 250 ग्राम। अब इनको धीमी आंच में 5 मिनट पकने देंगे। हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब हम अपनी गैस को धीमा करते हैं। इसे ढक के 5 मिनट पकने देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम अपने मशरूम चेक करते हैं। हमारे मशरूम पक चुके हैं। अब हम इसमें अपना पनीर डालते हैं। ये पनीर मैंने घर पे ही बनाया है। इसको हम ऐसे डालते हैं, मिक्स करेंगे। हम 1 छोटा चम्मच गरम मसाला डालते हैं और इसे 2 मिनट के लिए हम पकने देंगे। हमने इसमें 1/2 चम्मच छोटा नमक, हम इसमें 1/2 छोटा चम्मच नमक और डालेंगे। 1/2 चम्मच हमने पहले डाला था, 1/2 और डालेंगे। हमारा पनीर पक चुका है। हम पनीर को 2 मिनट से ज़्यादा नहीं पकाएंगे, नहीं तो ये टाइट हो जाएगा। अब हम अपनी गैस बंद करते हैं और इसे सर्व करते हैं। अब हम हरा धनिया से गार्निश करेंगे और इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे।